तुलसीदास जी 15वीं शताब्दी में भारतीय हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की प्रसिद्ध रचना की है, और रामचरितमानस से यह चौपाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस चौपाई का भावार्थ स्पष्ट है कि जैसी हमारी भावना, नजरिया और दृष्टिकोण होता है, उसी से हम वस्तुओं और व्यक्तियों का आकलन करते हैं। हम वह नहीं देखते जो सच में होता है, हम वह नहीं देखते हैं जो सच में होता है, हम वह देखते हैं जो हमारे दृष्टि में होता है, और वैसे ही मूर्त हमें नजर आती है। यहाँ से आगे अगर चलते हैं, तुलसीदास जी से पहले कबीर दास जी भी इस बात को कहते हैं। भक्ति कालीन में भी कबीर दास जी थे जो भारतीय राष्ट्रवादी कवि और संत थे। कबीर दास जी का दोहा ऐसे है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसमें भी कबीर दास जी कहते हैं कि बुराई दुनिया में ढूंढने से पहले अपने अंदर की बुराई ढूंढना ज़्यादा जरूरी है। अगर अंदर की बुराई हम नष्ट कर लेते हैं, अगर ख़त्म कर लेते हैं, जड़ से ख़त्म कर लेते हैं, तो हमें दुनिया साफ साफ दिखेगी या साफ नज़र आएगी। अगर हमारे भावना विचार ही बुरा होगा तो हम दुनिया को सही नज़र से देख नहीं पाएंगे। और इन भक्तिकालीन और 15वीं शताब्दी से निकलकर द्वापर में चलते हैं, जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों की शिक्षा देते हैं अस्त्र शस्त्र की। और कौरवों में दुर्योधन बड़ा होता है और पांडवों में युधिष्ठिर बड़ा होते हैं। एक दिन गुरुजी के मन में विचार आया कि क्यों ना युधिष्ठिर और दुर्योधन की दृष्टिकोण की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने पहले दुर्योधन को बुलाया और बोला कि दुर्योधन, मुझे इस राज्य में से एक अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन गुरुजी को प्रणाम करता है और एक अच्छा आदमी ढूंढने के लिए राज्य में निकल जाता है। नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, पूरे राज्य में एक महीने तक ढूंढता है, पर दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिलता है। और वो एक महीने के पश्चात गुरुजी के पास वापस आता है और बोलता है, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं खाली हाथ आया हूँ, मैं एक भी अच्छा आदमी इस राज्य से ढूंढ कर नहीं लाया हूँ। कहते हैं गुरुजी कि कोई बात नहीं। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि युधिष्ठिर, मुझे इस पूरे राज्य में से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रणाम करते हैं और निकल पड़ते हैं एक बुरा व्यक्ति को ढूंढने के लिए। नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव और पूरे राज एक महीना तक वो भी भटकते हैं और खाली हाथ गुरुजी के सामने आते हैं और बोलते हैं, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक बुरा आदमी नहीं ढूंढ के लाया, एक बुरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला मेरे राज्य में, इस राज्य में मुझे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया कि दुर्योधन को एक अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी नहीं मिला। फिर सारे इकट्ठे होकर गुरुजी से पूछते हैं, महाराज गुरुजी ये बताइए कि ऐसा कैसे हुआ कि दुर्योधन को एक अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी नहीं मिला। गुरुजी बताते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दुर्योधन का दृष्टि जो है बुराइयों से भरा हुआ है, इसलिए उसे कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। और युधिष्ठिर का दृष्टि जो है अच्छाइयों से भरा हुआ है, जिसके कारण उसको कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला।
यहाँ पर हमारी संत कवि और गुरुओं ने बहुत ही बेहतरीन शिक्षा दी है। यही जीवन का सार है कि जैसी हमारा दृष्टिकोण, नज़रिया, सोच और विचार और भावना रहेगी, वैसा ही हमें ये दुनिया नज़र आती है। दोस्तों, हमें अपने नज़रिया, अपना दृष्टिकोण, सोच और विचार को बदलना जरूरी है, नहीं तो ये सृष्टि एक कोरा कागज है। और जिस प्रकार के हम चश्मे का यूज करेंगे, अगर काला चश्मा यूज करेंगे तो ये सृष्टि हमें काली दिखाई देगी, अगर हम हरा चश्मे का यूज करते हैं तो हमें सृष्टि ये हरा दिखाई देगी, अगर लाल चश्मा लगाकर देखेंगे तो ये सृष्टि हमें लाल दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और विचार को बदलने की जरूरत है, तभी हमारी सृष्टि जो है, सृष्टि बदलेगी और दृष्टि बदलेगी। जैसे हमारी दृष्टि बदली, सृष्टि हमारी ऑटोमेटिक बदल जाएगी और सब कुछ हमारे सोच के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।